Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ. Welcome to this meditation time. और इस मनन में आपका स्वागत है. Just few minutes, let us concentrate and listen to the voice of God. और कुछ समय का लिए आइए हम अपने ध्यान को इस मनन की ओर लगाएं. This morning I would like to meditate with you and look at the cross as a great victory. और आज की सुबह मैं आपके बीच मनन करना चाहता हूँ उस क्रूस के विषय में. जब हम उसे देखते हैं तो एक बड़ी विजय दिखती है. The cross is the way by which we are delivered from the power of the devil. और ये क्रूस ही है वो मार्ग जिसके द्वारा हम उस शैतान के सामर्थ्य से बचाए गए हैं. As we know, the devil is a formidable enemy of the cross. और जैसे कि हम जानते हैं कि ये शैतान इस क्रूस का शुरुआत से ही बैरी रहा है. And the cross displays to us the Lord Jesus Christ as a victor. और ये क्रूस हमें दिखाता है प्रभु यीशु मसीह को एक विजयी के रूप में. As a conqueror. और एक ऐसा जो जयवंत है. And so I would like us to read Colossians chapter 2 verses 13. और इसलिए आज की सुबह मनन के लिए हम कुलुसियों का 2 अध्याय 13वां वचन 14वां और 15वां इन 3 वचनों को पढ़ेंगे. Let me read it in English first. और इसे मैं अंग्रेजी में पहले आपके लिए पढ़ूंगा. Verses 13 to 15. और 13वें वचन से लेकर 15वें वचन तक. Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other. I'm sorry. Chapter 2, verses 13 and 15. कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 13वें वचन से लेकर 15वें वचन तक. And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses by cancelling the record of a debt that stood against us with its legal demands. This he set aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उस क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया. और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों के ऊपर उसे उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. You see, my friends, in this passage, what is displayed is the cross displays to us the Lord Jesus Christ as a victor and as a conqueror. और देखिए मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ये क्रूस दिखाता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जयवंत और विजयी है. The cross is a marvelous exposition of the triumph of the Son of God over the devil and all his forces. और ये क्रूस दिखाता है एक अद्भुत रीति से इस बात को कि कैसे ये प्रभु यीशु मसीह शैतान और शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर उसने विजय पाया. There is God the Father. और परमेश्वर पिता है. And God the Son. और परमेश्वर पुत्र है. And God the Holy Ghost. और परमेश्वर पवित्र आत्मा है. In opposition to the demonic powers. और इन सारी दुष्ट आत्माओं की शक्तियों के विरुद्ध ये खड़े हैं. There is the devil. और यहाँ पर ये शैतान भी है. And his forces and powers. और उसकी शक्तियाँ और उसके सामर्थ. These demonic powers are exerting an influence upon this world. और ये शैतानी शक्तियाँ इस संसार पर अपने प्रभाव को बनाए हुए हैं। And upon the minds of men and women. और इन मनुष्यों और सारे मानवों के मनों पर अपने प्रभाव को डाले हुए हैं। This is the explanation of the problem of men. और यही है मानव की समस्याओं का की वर्णन। Men individually and collectively. और मानव एक व्यक्तिगत रूप से और पूरे रूप से। The devil hates God. और शैतान तो परमेश्वर से घृणा करता है। That was the reason for his fall. और यही कारण था उसका स्वर्ग से गिराए जाने के पीछे। Since his fall, और उसके गिराए जाने के बाद the devil has only one ambition. और शैतान का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। To ruin God's beautiful world. कि वो परमेश्वर की सुंदर रचना को खराब करता चला जाए। God made the world perfect. परमेश्वर ने संसार को सिद्ध रूप से बनाया। And he made man in his own image and likeness. और मनुष्य को मानव को अपने सदृश्य बनाया। That was perfect. और ये सिद्ध था। And the devil hated it. और शैतान ने इस बात से घृणा करी। The best way to harm God was to ruin his creation. और जो सबसे अच्छा तरीका शैतान को दिखा कि वो परमेश्वर को हानि पहुंचाए वो था कि वो उसकी सृष्टि को नष्ट करता जाए। So he came to the garden. और इसलिए वो उस ईदन की वाटिका में आया। Tempted man. और उस मानव को परीक्षा में लाया। And man in his folly. और मनुष्य ने अपनी मूर्खता में listen to him and he fell. और उसकी सुनी और वो भी गिर गया उस पाप में। This is the explanation of all the troubles in this world today. और इस संसार में जितनी भी समस्याएं और मुश्किलें हैं उनका अनुवाद या उनका शीर्षक हम इसी बात से निकाल सकते हैं। And this is the explanation of all the troubles between mankind themselves. और ये सारी बातों को स्पष्ट रूप से दिखाता और बताता है जो सारी समस्याओं को जो मनमानव में मौजूद है। This is how man became a slave to sin. और इसी रीति से मानव पाप के लिए एक दास बन गया। And thus a slave to the devil. और उसके द्वारा शैतान का एक दास बन गया। Now we do not minimize the power of the devil. लेकिन हम शैतान के जो शक्ति है उसको कम नहीं करते। It is a tremendous power. ये तो एक बहुत बड़ी शक्ति है। The power of the devil is so great. और जो शैतान का जो शक्ति है वो इतना महान है। That every human being ever born in this world is defeated by this evil power. कि हर एक मानव जो इस संसार में पैदा हुआ है वो इस दुष्ट की शक्ति से हरा दिया जाता है। Now how do you like that? और आप इस बात को कैसे समझते हैं? Then you may ask. तब आप पूछ सकते हैं। You mean every human being? आप कहेंगे हर एक मनुष्य। How about Abraham? और इब्राहिम के विषय में क्या कहा? How about Isaac? इसाक के विषय में क्या कहा? How about Jacob? याकूब के विषय में क्या कहा? How about all the prophets? और सारे भविष्यवक्ताओं के विषय में क्या कहा? हर एक। Yes, my friend. हाँ मेरे मित्रों। There is not a single human being who can ever claim that he is perfect. एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो इस बात की घोषणा या दावा कर सके कि वो सिद्ध है। So we will continue to meditate on this. और आइए हम इस बात पर निरंतर मनन करते रहेंगे। And so that we can be more aware of the tactics that the devil uses. ताकि हम उन चालों के प्रति और खुद को जागरूक करने पाए जो शैतान प्रयोग करता है। Meanwhile, तब तक as you remember this, जब आप इस बातों को याद रखते हैं, during this day, और आज के दिन, may you be a triumphant Christian. होने दें आप भी एक जयवंत मसीह ठहरें। That is God's desire. और यही परमेश्वर की इच्छा है। Blessed Holy Spirit. और आशीषित पवित्र आत्मा। We thank you for sending the Holy Spirit. हम धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र आत्मा को जो आपने हमारे लिए भेजा। And he abides in us. और वो पवित्र आत्मा हमारे भीतर है। He is with us. वो हमारे साथ है। He fills us. वो हमें भरता है। And he possesses us. और वो हम पर अपने कब्जे को करता है। And thus he controls. और इसके द्वारा वो हमारा नियंत्रण करता है। This is our only hope of gaining victory over the devil. और ये सिर्फ शैतान के ऊपर विजय पाने की सिर्फ एक ही यही आशा है। So come Lord Jesus. और इसलिए आइए प्रभु यीशु मसीह। Come Holy Spirit. आइए पवित्र आत्मा। In your gentleness and in your power. अपने नम्रता और सामर्थ्य के साथ। Thank you. धन्यवाद। Jesus name. यीशु के नाम में। This is a great day, my friend. ये एक महान दिन है मेरे मित्रों। Live this day. At the end of the day, you can give glory to God for giving you victory over all. और दिन के अंत में आप परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं कि उसने आपको शैतान की हर एक शक्ति के ऊपर विजयी ठहराया। आमीन। आमीन।